नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल अश्रो ज्ञान में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे मन चाहे स्त्री पुरुष का वशीकरण कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं वशीकरण क्रिया को, वशीकरण विधि को, जिसे आप घर बैठकर आसानी से कर सकें, तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों आज के समय में भी लोग वशीकरण का सहारा लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि मन चाहे इंसान से अपना कार्य निकलवा सके। दोस्तों वशीकरण क्यों किया जाता है या फिर वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण का मतलब होता है कि मन चाहे इंसान को अपने वशीभूत करना, किसी से भी अपने मन की बात कहना या फिर उस इंसान से अपने काम निकलवाना। अगर आप भी जानना चाहते हैं वशीकरण को या फिर मन चाहे स्त्री या पुरुष को अपने वश में कैसे करें, तो दोस्तों इसके लिए आज हम एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र लेकर आए हैं जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी भी गलत भावना से इसका प्रयोग ना करें, सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए या फिर दोस्तों आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी को भी गलत हानि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। अगर आप भी चाहते हैं मनचाहे स्त्री पुरुष का वशीकरण करना, तो दोस्तों इस कार्य को आपको शुक्रवार के दिन करना होगा। शुक्रवार के दिन आप इस कार्य को दोपहर के 12 बजे करें। किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं और अपने हाथ में एक स्फटिक की माला का प्रयोग करना है और दोस्तों मंत्र बोलना होगा, ओम नमो महायक्षिणे मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और दोस्तों मम के बाद आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, चाहे वो कोई स्त्री है, पुरुष है, आपका प्यार है, पति है, पत्नी है या फिर अन्य कोई भी। किसी का भी वशीकरण करने के लिए ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब भी आप इस मंत्र का जाप करें आपको सफ़ेद रंग की मिठाई को अपने हाथ में लेना होगा और उस मिठाई को इस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना होगा और किसी भी तरह से इस मिठाई को उस इंसान को खिला देना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। सफटी की माला के साथ 101 बार इस मंत्र का जाप करें और मन ही मन में वश में करने की कामना करें। दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बस एक बात का ध्यान रखना होगा, इस मंत्र का जाप आपको दोपहर के समय ही करना होगा। शुक्रवार के दोपहर को करें और दोस्तों फिर इस मिठाई को उस इंसान को खिला दें। उस इंसान की इस मिठाई के खाते ही वो इंसान पूरी तरह आपके वश में होने लगेगा, आपकी किसी भी बात को ना नहीं कह पाएगा, पूरी तरह आपके वश में हो जाएगा। अगर आप किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।